लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज समझा दूँ थोड़ी सी। तो देखो, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जो फर्स्ट वाली है ऑर्डर, मतलब कि जैसे 2 × 5 जो है, ऑर्डर क्या है 2 × 5, ये 10 आ रहा है ना, तो मैं ऑर्डर चेंज कर दिया, 5 × 2 कर दिया, तब भी 10 आएगा। तो ये सेम होता है, ठीक है, इसका आंसर सेम आता है। फर्स्ट ये है। सेकंड वाली है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कि ग्रुप कर दें, 3 नंबर्स हैं मान लो, 2 × 5 × 2, मैं यहाँ पर 3 लिख रही हूँ, पहले चाहे इनको इसको मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करूँ, या फिर इसको मल्टीप्लाई करे इससे मल्टीप्लाई बाद में करूँ, ठीक है, तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ओके। एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ वन कि अगर हम किसी नंबर को 10 से 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम वही नंबर आ जाता है। ये सबको पता है, ठीक है, इसकी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे कि अगर किसी नंबर को हम 2 से 1 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा सेम वही। ओके। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो जीरो में क्या है, अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, 10 ही है, अगर मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर 0 से करें तो हमेशा आंसर 0 आएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। चाहे ये ले लिया, इसको अगर मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आएगा। ओके। बस इसी के बेस पर ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1। किसी नंबर को अगर 0 से करें तो क्या आता है, 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करके सेम वही नंबर, 1 से तो वही नंबर आता है, ठीक है। किस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें कि 380 आएगा, ठीक है, तो अगर 380 होगा यहाँ पर, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 आएगा, ठीक है। ये भी देखो, किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम आ जाता है, तो सेम देखो कब आता है, सेम कब आता है, ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करके। नाउ नेक्स्ट, ये दिया हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर चेंज कर दिया उन्होंने, ये पहले नंबर पर लिख दिया तो ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा, कि अगर ये मल्टीप्लाई करें ये मल्टीप्लाई करें सेम होगा, अगर ग्रुप चेंज कर दें तो, ठीक है, रीग्रुप कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, ये है रीग्रुपिंग वाली। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसको क्या बताती है कि अगर कोई दो नंबर हो, ये मैं आपको समझा देती हूँ, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कि अगर किसी भी नंबर को, जैसे ये वाला है, उन्होंने एग्जांपल इसकी दी हुई है कि ये कितना आएगा, यहाँ पर इसका प्लस करके कितना आया, 17। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने ब्रैकेट को खोलना होता है, तो 17 आया, फिर 17 × 5 कितना आया, 85, ठीक है, ये भी इतना ही आंसर आएगा। अगर मैं इसको एक एक करके ऐड कर दूँ, पहले 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर 5 को 9 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, 40 प्लस 5 × 9 45, तो ये भी कितना आया, 85। ये देखो सेम आ गया, अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करें तब भी, चाहे इसको एक एक करके करें तब भी। ओके। सो ये प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, यहाँ पर कैसे यूज हो रही है, ये देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको सेम नंबर को फिर 65 से मल्टीप्लाई किया, तो 895 को दिस प्लस किससे किया होगा, इससे, ठीक है, तभी ये अलग अलग करके यहाँ पर आया है, ठीक है।
देन नाउ नेक्स्ट इज ये वाली प्रॉपर्टी, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ पर 45 आना था, 35 से तो उन्होंने कर लिया। ओके ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन, ये है सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी, है वैसे ही, बस माइनस है इसमें। ये करना कैसे है, वही सेम, इसको इससे फिर इसको इससे, मतलब कि पहले तो 385 को, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ इसलिए वो लिखना पड़ेगा, 385 को इस 98 से, देन 385 को 52 से, 385 लिख दिया था, 52 लिखना था, तो ये आ गया आंसर। ओके तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला 5 × 13 × 8, ये मैं समझाती हूँ कैसे करना है। उन्होंने बोला मल्टीप्लाई करना है लेकिन डिफरेंट वे से। क्वेश्चन नंबर 2 का है, फर्स्ट पार्ट 5 × 13 ×, सॉरी यहाँ पर 5 आना था, 5 × 13 × 8, तो यहाँ पर क्या आना है, फिर हमने क्या करना है, इसको ग्रुप में करना है, ठीक है, किसी दो नंबर्स को जिन से ज़ीरो बने, सबसे पहले कोई दो नंबर इनमें से जिनसे ज़ीरो बनेगा, जैसे 5 को अगर मैं 3 से करूँ, लास्ट वाले नंबर से चेक कर लेना है, 5 को 3 वाले यूनिट डिजिट से, 5 को 3 से करेंगे, 5 × 3 = 15 आएगा, तो लास्ट में 5 आएगा। इसको इससे करूँ, 5 × 8 = 40, 40 में लास्ट में 0 आ गया, तो इसका मतलब हम कौन सा ग्रुप में लेंगे, ये वाला नंबर और ये वाला, 5 × 8 वाला पहले लेंगे, ठीक है, इसको मैंने ग्रुप में ले लिया, 13 वाला बाद में लिख दिया, ये बना 8 × 5 = 40, 40 को फिर 13 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 0 है, जब भी 0 हो हम सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 × 4 = कितने होते हैं, 13 × 4 = 42, और ये जो 0 थी वो हमने पीछे लगा देनी है क्योंकि इसको हमने पहले काउंट नहीं किया था, तो आंसर आया 420, ठीक है, तो ये आ गया आंसर 420। ऐसे ही ये वाला, ये आपने नोटबुक पर पूरा करना है जैसे मैं कर रही हूँ, इसमें कौन सा है नंबर जिससे 0 बनेगा, 8 को 5 से करके आएगा, 8 × 5 = 40, ये सही आएगा, तो इसको पहले ग्रुप में कर लेना है, ठीक है, फिर बाद में वो। अब देखो ये वाला 20 × 8 × 6, 20 को चाहे इससे कर लो, इस चाहे इससे कर लो, लास्ट में 0 आएगा, जे 28 = कितने होते हैं, 28 = कितने होते हैं, 160, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, पहले हमने इसमें इस ग्रुप को कर दिया, तो 16 × 6 कितना आएगा, 16 × 6 = 96, आगे जो 0 बची थी वो हमने लगा दी, 926 इसका आंसर आया, ठीक है, तो ये था इसका आंसर। नाउ ये वाला देखो, ये हमने इसका प्रॉपर्टी लगा के फाइंड द कर लो, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये वाला, इसमें प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है, चाहे आप इसको प्लस करके इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको हमने टू वे से करना है ना, तो फर्स्ट वे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 15 + 7 × 9, तो फर्स्ट वे कौन सा है, चाहे तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को पहले प्लस कर लूँगी, कितना आया, ट्वेंटी टू, इसको 9 से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 22 को 9 से, तो कितना आएगा, 22 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो वो आएगा
एटीन, 9 2 18 प्लस 198, तो 198 आया इसका आंसर। लेकिन सेकंड वे भी हमने देखना है ना, तो भी इससे करना है। तो जो सेकंड वे है वो कैसे आएगा, यही क्वेश्चन मैं फिर दोबारा लिख रही हूँ। 15 प्लस 7 इंटू 9 अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले 9 को 15 से, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगेगा, फिर 9 को 7 से। 15 9 135, 9 7 63, इनको हमने प्लस कर लेना है, तो कितना आया 891। आ गया इतना ही आंसर जितना ऊपर वाला था, सेम आंसर आ गया, ये भी इतना आया, ये भी इतना आया। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, इजी हैं, कुछ नहीं है। यहाँ पर ये वाला भी एक बार देख लो, ये तो सिंपल है ना, इसमें कुछ नहीं है, ये 7 बाद में यहाँ पर पहले लिख दिया, पहले आपने 17 × 9 करके देख लेना है फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला भी इसे कैसे करेंगे, 9 को 10 से, फिर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। ठीक है, ये भी ऐसे ही है, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे करके प्लस कर देंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।